गत वर्ष एक बस स्टेशन का यही लखनऊ पे लोकार्पण किया था। आज हम एक और बस स्टेशन का लखनऊ में लोकार्पण कर रहे हैं। यहाँ के माननीय सांसद, यहाँ के माननीय विधायक, ये सभी लोग इस अवसर पर उपस्थित हैं। लेकिन साथ ही साथ अवध बस स्टेशन अयोध्या मार्ग लखनऊ के साथ ही चित्रकूट जनपद, नैमिष सारण्य, डिबाई जनपद बुलंदसर और बस्ती तक गोंडा के बस शेल्टर यानी रुधौली बस्ती में और मनकापुर बस्ती में बस शेल्टर के आज लोकार्पण का कार्य जहां संपन्न हो रहा है, वहीं साथ ही साथ कन्नौज बस स्टेशन गुरसहायगंज, जालौन में बस स्टेशन जालौन, मुरादाबाद में बस स्टेशन काट, औरैया में बस स्टेशन दिव्यापुर, एटा में बस स्टेशन अलीगंज, जौनपुर में बस स्टेशन बदलापुर और कोसाम्बी में बस स्टेशन चायल, इन सभी के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज संपन्न हो रहा है। यानी हम लोग कोविड-19 से भी लड़ेंगे लेकिन विकास का पहिया भी नहीं थमने देंगे। जो निरंतर चलती रहे, जो निरंतर चरैवेति चरैवेति के मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना सके, वही तो नाम है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का। और वही कार्य आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इस रूप में आगे कर रहा है। आज का यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में 6 बस स्टेशनों का लोकार्पण होना है और 7 का शिलान्यास होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मुक्त हृदय से बस अड्डे बनाने का, ऐसा लोगों का जो आग्रह था, वहां के जनप्रतिनिधियों का जो आग्रह था, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये बस अड्डे निर्मित हुए हैं। एक निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से मिला कि दिल्ली बॉर्डर पे लाखों श्रमिक है, उनको हजारों बस लगा के हमें वहां से कुशलतापूर्वक घर तक पहुंचाना है। हम लोगों के लिए एक अग्नि परीक्षा थी महोदय, हम लोगों को खुद में ही वो एक था कि हम लोग इस बड़ी चुनौती कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका एक आत्मविश्वास रहा है परिवहन निगम के कि परिवहन निगम करेगा। तो यही एक आत्मविश्वास महोदय सभी अधिकारियों से लेकर पूरे नीचे ड्राइवर कंडक्टर तक ये चला, सब लोगों ने ठान लिया कि इस एक आपद घड़ी में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निर्देश है, आम जनमानस का एक अपेक्षा है, उस पर हम खरे उतरेंगे। दिन रात पूरा परिवहन निगम की टीम ने महोदय काम किया है और मुझे हर्ष है इस बात का कि आपके एक विश्वास पे और आपके एक अपेक्षाओं पे हम लोग खरे उतर पाए।